भारत की गंगा जमुनी तहजीब की रोज कई इबारतें लिखी जाती हैं। इन्हीं शानदार मसालों में से एक है 18 साल की पूजा कुशवाहा। पूजा कुशवाहा उस पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं, जिसे अमूमन सांप्रदायिक रूप से अशांत माना जाता है। पूजा की जिंदगी यूं तो देखने में आम सी ही है। वो बच्चों को पढ़ाती हैं, घर के कामों में मदद करती हैं और वो सारे काम करती हैं जो उसकी उम्र की अन्य लड़कियां। इस सब के बावजूद पूजा एक खास काम करती हैं और ये खास काम वो अपनी मर्जी से करती हैं। दरअसल पूजा अपने घर के पास के ही तकरीबन 35 बच्चों को पढ़ाया करती हैं। वो उन्हें कुरान और अरबी पढ़ाती हैं। ये अपने आप में एक खास बात हो जाती है, क्योंकि पूजा ऐसे किसी भी सामाजिक परिवेश से नहीं आती जहां उसे कुरान या अरबी पढ़ाया जाता हो। आगरा के संजय नगर कॉलोनी की रहने वाली पूजा कुशवाहा हर शाम की अपनी क्लास कॉलोनी के ही एक मंदिर के बरामदे में देती हैं। उससे पढ़ने वाले इन सभी बच्चों में से ज्यादातर समाज के बेहद कमजोर तबके से आते हैं, जिन्हें स्कूल भेज सकने में उनके माँ बाप काबिल नहीं। मैं बच्चों को ये जताना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं होते, सब एक ही होते हैं। ऊपर वाले के बनाए हुए एक मूर्त होते हैं। हम इंसान हैं, हमें किसने अलग करा है? ऊपर वाले ने तो नहीं करा, इंसानों ने तो करा है। पूजा की अरबी जुबान और उसका उच्चारण लोगों के मुताबिक काबिले तारीफ है। पूजा के परिजन भी पूजा के इस प्रयास को काबिले तारीफ मानते हैं। ऐसा कोई हम पैसा नहीं लेते, जितने हम पे फ्री सेवा करी जाती है उतनी हम फ्री सेवा करते हैं बच्चों के लिए। पूजा के इस अरबी और उर्दू के रुझान ने उन्हें इसमें इतना माहिर बना दिया था कि वो अपने दूसरे मुस्लिम दोस्तों से भी अच्छा जानने लगी थी और अब बच्चे भी पूजा से पढ़कर काफी खुश हैं। हम अभी तो घर पे पढ़ रहे हैं, जब अभी यहाँ पे गंदगी है, हम मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। पूजा के पास आने वाली बच्चों की तादाद बढ़ रही है और ये उसके लिए गर्व की बात है कि वो अपने छोटे से इस कोशिश से समाज में मजहबी कट्टरपंथ के खिलाफ बदलाव की एक बयार ला रही है। पूजा की सरकार से कोई खास मांग भी नहीं है। मैं सरकार से सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ, सरकार ये मेरी गली बना दे सड़क और मेरी ये मंदिर को पूरा अच्छी तरीके खूबसूरत बना दे, इसमें मुसलमान बच्चे भी पढ़ सके, उनके लिए भी करे और हिंदू बच्चों के लिए भी करे, इतना चाहती हूँ मैं। ये एक काफी खुशनुमा बात है कि आज के इस दौर में भी ऐसे मिसाल मौजूद हैं जो मजहबी दायरे से ऊपर उठकर एक नजीर कायम करते हैं। वाकई में पूजा ने अपने इस खास काम से एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे दूसरों को भी सीख लेनी चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।